गौ सदन डांगू में भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद हिमाचल प्रदेश एवं सदस्य हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए गए सम्मेलन में उपस्थित जन संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता संत रामायण ने कहा कि सरकार अपनी पूरी ईमानदारी से गौ रक्षा के संकल्प को पूरा करे। उन्होंने कहा कि आज के समय में गाय सड़कों पर है और उसका खामियाजा पूरा समाज भर रहा है। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ गौ रक्षा का संकल्प लिया था उन्होंने, उस पर कार्य करें। प्रशासनिक अधिकारी जितनी लापरवाही के साथ गौ सदनों के जो कार्यकर्ता उनसे बर्ताव करते हैं उन पर संज्ञान लिए जाएं। गाय का हिस्सा आज जो सरकार के फंड में पड़ा हुआ है उसे गाय को ही दे दिया जाए, अन्यत्र कहीं ना खर्चा किया जाए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि सरकार ये जो गौसदनों का विभाग है ये हमारे संगठन को सौंप दे, क्योंकि छोटी छोटी मीटियों का जो लंबा लंबा बजट बना करके अधिकारी लोग पेश कर देते हैं, अगर वो गायों के लिए जाए वही महत्वपूर्ण कार्य होगा। संगठन के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ लोग हैं बैठे हुए हैं ये उनको दिया जाए। समाज का धन गाय के लिए आए तो गाय पे लगाया जाए, ना कि अधिकारियों की गाड़ियों पे, उनकी व्यवस्थाओं पे, उनके टीएडीए पे खर्चा किया जाए। बोल सियावर रामचंद्र की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गौ सेवा आयोग स्वतंत्र हाथों में होनी चाहिए, इससे इस संस्था को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, ना कि ये सरकार के इशारे पर हो। मुख्य मांगों में सबसे पहले तो जो हमारी गौशालाएं जो कई वर्षों से चल रही हैं निरंतर, उनमें जमीन अभी गौशालाओं के नाम पे नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो जो पुरानी गौशालाएं जो चली उनके जमीनों का प्रावधान किया जाए। और जो गौ सेवा आयोग बना है उसमें गौ सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको जो स्वतंत्रता है उसको दिया जाए, स्वतंत्र रूप से उनको सुना जाए, उनकी मांगों पर विचार किया जाए। इस प्रकार के विषय जो है वो भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद उठाता रहा है। गौ माता सड़कों पे बेसहारा घूम रही है, सब सर्दी ऋतु आ रही है, तो जल्दी से जल्दी इसका प्रावधान किया जाए, इनको गौशालाओं में पहुँचाने का, ऐसा हमारा निवेदन है।